जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है अयोध्या में, और 22 जनवरी को ही राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, और इसी को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता अभियान की शुरुआत हो चुकी है। और आज इसी कड़ी में ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के महामाया मंदिर में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी पधारे थे और यहाँ के परिसर में झाड़ू पोछा लगाकर स्वच्छता अभियान की शुरुआत किया है। और इसी एक बात पर ज़्यादा जानकारी के लिए जो यहाँ के सचिव हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है उनका विचार इस भव्य राम मंदिर के उस पर। जैसा कि प्रधानमंत्री के आह्वान के अनुसार प्रत्येक मंदिरों में साफ सफाई वगैरह की व्यवस्था की जाए, अपील की गई थी, उसी कड़ी में आज श्री महामाया देवी मंदिर में केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी, गृह मंत्री छत्तीसगढ़ शासन विजय शर्मा जी, ओपी चौधरी जी, केदार कश्यप जी एवं जायसवाल जी, ये सभी मंत्रीगण भी मंदिर में पधारे एवं अपनी सेवाएं दी। मैं श्री महामाया देवी मंदिर पब्लिक ट्रस्ट कमेटी की ओर से श्री महामाया देवी की कृपा के उन पर सदैव बनी रहे, इसी प्रकार से धार्मिक आयोजन को इस रूप में उन्होंने जो प्रस्तुत की उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, एवं आगे भी हिंदू सनातन धर्म की जागृति हेतु इसी प्रकार से वे सब कार्य करते रहें। धन्यवाद। देखिए, ये राम मंदिर जो है 500 वर्ष का इंतजार है और इसको लेके आम जन से लेके हर वर्ग में खुशी का माहौल है। कल परसों 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होना है प्रभु रामचंद्र जी की, और उसके बाद 2 महीना वहाँ पे बड़ा मेला लगने वाला है। छत्तीसगढ़ के लोग भी, क्योंकि ये राम जी का नवनिहाल है और ये नवनिहाल में पूरी उनके यादें जो है वो छुपी हुई है, तो छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो और अत्यधिक खुश है और वो सभी रामलला के दर्शन करने के लिए ललायित हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा को पूरे छत्तीसगढ़ में उत्सव की तरह मनाने का निर्णय लिया है। हर मंदिर में सफाई की जा रही है और साफ सफाई करके जो यहाँ पे विराजमान होंगे रामलला, तो प्रसादी का वितरण करने का निर्णय किया है और शाम के टाइम में दीप जलाकर जो एक उत्सव मनाने का काम, ये दूसरी दिवाली है जो अब ये इतिहास रहेगा और वर्षों वर्षों तक के ये जो समय है वो इतिहास में दर्ज रहेगा। पूरे देश में सभी स्थान पे संगठन के दृष्टि से मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, सभी स्तर के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सभी लोग अपने क्षेत्र में, आसपास या जहां भी हैं, मंदिरों में जाकर सेवा कार्य के रूप में मंदिर की सफाई कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय मनसुख मांडविया जी, हमारे रायपुर शहर के सांसद सुनील सोनी जी, हमारे प्रदेश के गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, श्याम बिहारी जायसवाल जी, ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के मंत्रिमंडल के सदस्य, और मनसुख मांडविया जी छत्तीसगढ़ के प्रदेश के चुनाव प्रभारी के नाते आज यहाँ आए हुए हैं और वो भी आज सेवा कार्य के रूप में हमारे ऐतिहासिक महामाया मंदिर में उन्होंने सेवा दिया है, साफ सफाई किया है और ये क्रम 22 तारीख तक जारी रहेगा। भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है अयोध्या में और इसकी खुशी पूरे देश में है। इसकी खुशी के लिए जैसे दिवाली का उत्सव मनाया जाता है, वैसे ही उस उत्सव को पूरे देश में सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इस प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार पूरे 5 सालों के लिए सभी को था और अब इसका इंतजार अब खत्म हो गया और भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, जिसके लिए लोग वहां देखने के लिए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और वहां जाने के लिए सरकार की तरफ से ट्रेनों की सुविधा भी की गई है और लोग वहां जाके उनकी प्राण प्रतिष्ठा देखना चाहते हैं। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ समय टाइम्स के लिए प्रियंका साहू, रायपुर छत्तीसगढ़।